कोई भी प्रोडक्ट जो कपड़े के रिलेटेड हैगा उसके सूट भी आ जाते हैं, अनसीते सूट भी आ जाते हैं, फैब्रिक भी आता, साड़ियाँ भी आ जाती उन्होंने सारिया 5% GST तो 12% कर और यह पहली जनवरी 2022 तो लागू करने का प्रोग्राम है। आम आदमी जिदे लिए सरकार कहदियां ने यार असी जो भी पॉलिसी बनाने हैं, असी जो भी पैसे रेज करते हैं, जो भी असी भी असी जिहड़ा भी खर्चा करना होंदा है वो आम जनता दे यार आम बंदे लिए उहदे लिए असी पैसे रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। जे एक्स्ट्रा यह 7% लेना है वह बेनीफिट की है, पैसा इकट्ठा करके तुम उन्हां जी बनना चाहते हो ना कि चंद्र जी असी आम जनता तक पहुँचा सके तो पहले रेवेन्यू ही घट ले लो। और दूजी गल है कि कहते जी असी चोरी बड़ी होती है तो रोकना तुहाडा काम है। जिहड़ा जिहड़ा अनसीता कपड़ा तो साड़ी तो GST 5% देखो पहले 1000 तो थले जो रेडीमेड कपड़े भी थे 1000 तो थले उन्होंने भी 5% से 1000 तो उपर रेडीमेड के 12% से उन्होंने रेडीमेड के भी 12 कर दिए। मतलब खास करके औरतों को जिन्होंने आम पाने वाले कपड़े पाने नहीं खरीदने ने वो महंगे होंगे। जन हितैषी जन जन की बात तुसी देख रहे हो जन हितैषी ते मैं थोड़ा नाल अंकित वर्मा। कहिंदे ने एक ह्यूमन लाइफ दे विच तीन चीज़ां सब तो जरूरी होंदियां है, रोटी कपड़ा ते मकान। जे गल करिए कपड़े दी कपड़ा जिहड़ा सीगा पहला रेडीमेड कपड़ा उहदे ते 5% जिहड़ी GST सरकार वल्लों लगी हुई सीगी 1000 रुपए तो नीचे, पर जिहड़े 1000 रुपए तो प्लस जांदे सीगे उहदे ते 12% GST लगदी सीगी। बट सरकार ने उन्हां ते भी जिहड़ी 1000 तो नीचे जिहड़े कोई भी कपड़ा सीगा रेडीमेड साड़ी हो जावे या लेडीज सूट होण भावें हो फुटवेयर होण एनीथिंग उहदे विच जिहड़ी GST सीगी उह 12% कर दित्ती है, वधा के 7% सीधी जिहड़ी GST उह वधा दित्ती है। गल्लबात करदे आं नीली बार तो सोनू जी पंजाब मर्चेंट क्लोथ एसोसीएशन के जनरल सैकटरी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गल्लबात करदे आं। जानदे आं कि चीज़ों के उत्ते जिहड़ा GST है वह वधाई गई है। गल्लबात करदे आं सोनू जी, सत श्रीकाल जी। मैं सोनू नीलीबार ते जिवें कि तुसी गल कर ही चुके ने भी तीन चीज़ां बहुत जरूरी ने और रोटी कपड़ा और मकान। तो फिलहाल जो इन्होंने किया हैगा वो कोई भी प्रोडक्ट जिहड़ा कि कोई भी प्रोडक्ट जिहड़ा कपड़े दे रिलेटेड हैगा उहदे विच सूट भी आ जांदे ने, अनसीते सूट भी आ जांदे ने, फैब्रिक भी आंदा ते साड़ियां भी आ जांदियां ने ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 5% GST ਤੋਂ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਯਾਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर सानू ये लग रहा है कि जे इन्हां ने आम आदमी तो और स्पेशली औरतों तो जे एक्स्ट्रा यह 7% लेना है वह बेनीफिट की है, पैसा इकट्ठा करके तुम उन्हां जी बनना चाहते हो ना कि चंद्र जी असी आम जनता तक पहुँचा सके तो पहले रेवेन्यू ही घट ले लो। आई थिंक ये नाल इन्फ्लेशन वधेगी, लोगों के खर्चे वधनगे और बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है। नहीं मेरे खुश होने कुछ नहीं होंगे, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि भी साढ़े जिहड़ियां इशूज़ है भी कई जिहड़े धागे ने टैक्सटाइल उत्ते 12% धागे तो हैगा और जो उन्होंने फैब्रिक वेचते हैं वह जिहड़ा 5% विकता है, बट यह तो उन्होंने पहले ही पता थी GST तो पहले। और दूजी गल है कि कहते GST चोरी बड़ी होंगी, यह तो रोकना तुहाडा काम है। रेडीमेड कपड़े भी 1000 तो थले उन्होंने भी 5% से 1000 तो उपर रेडीमेड 12% से उन्होंने रेडीमेड से भी 12 कर दी है। सो रिवाज स्टोर तो जिहड़े रविंदर भाटिया जी उन्होंने वह भी मौजूद ने साडे नाल, उन्हां नाल भी गलबात कर लैने आ। सत श्रीकाल जी, मैं जतेंद्र भाटिया रिवाज स्टोर तो, जिवें कि सोनू जी ने दस्सिया कि यह कपड़े के उत्ते अनस्टिच के उत्ते भी हुण 5 to 12% हो जा रहा 1 तरीक 2022 तो इहदा सीधा सीधा इफेक्ट सारे लोगों पर जाएगा, कपड़े के काम करने वाले भी, क्योंकि कपड़ा महंगा होएगा, आम जरूरतों के जिहड़े कपड़े आम पाने वाले कपड़े पहरावा है वह सबनों महंगा मिलेगा, तो उनका इफेक्ट
मतलब खास करके औरतों जिन्होंने आम पाने वाले कपड़े पाने ने खरीदने ने वो महंगे होंगे तो इनका इफेक्ट लोंग टाइम ही रहेगा। अगे कपड़े की मार साढ़े व्यापार से करोना करके काफ़ी ज़्यादा हैगी है सो यू मेरे हिसाब न तो नहीं करना चाहिए है और सीधे तौर पर मतलब आम बंदे की जिंदगी से खर्चा वधाने वाला काम बन जाएगा। देखो मैं सरकार तो एक मंग करदा कि तुसी एक गल समझ लो तुसी कहंदे हैगे कि तुहाडे जिहड़े सिस्टम दे विच हैगा कि भी किसे धागे ते 12% है और फाइनली वो प्रोडक्ट 5% ते विकदा है या जो भी इदां दे इशूज हैगे ने तुसी इन्ना ज़्यादा GST 12% क्यों कर रहे हो ना सारे सारे प्रोडक्ट्स ते सूट ते साड़ी ते सब ते 5% कर दो ना जी। तुसी तुहानू GST दा रेवेन्यू चाहिदा ना रेवेन्यू इकट्ठा होएगा तुसी सोचदे गए हो कि लोग जिहड़े ने वह चोरी नहीं करनगे। आई थिंक जिहड़ा मीडियम क्लास दुकानदार है छोटा दुकानदार है उन्होंने पता है कि 12% जिहड़ा GST अगर मैं बचा लवा किसी तरह तो मेरा प्रोडक्ट सस्ता विकेगा। सानू तो लग रहा है कि ये नाल होर कंपीटिशन नैगेटिव आएगा स्पेशली जिवें जिवें इत्थे लवली जी रिवाज तो बैठे हुए हैं या असी स्टोर रन करते हैं जिहड़े ऑर्गेनाइज स्टोर है उन्होंने उत्ते जिहड़े मार्जिन ने वो तो असी तो सारा कुछ जेन्युइनली काम करीदा बारकोडेड बेसिक प्राइसिंग होंदियां ने यह तो आई थिंक सानू सिरा साढ़े नाल धक्का भी होने वाला है तो मैं चाहवागा सरकारां नू तुहानू GST 12 की बजाय सब चीज़ों पर 5% कर दो और तुसीं तां जिहड़ा जुत्तियां ते करता है 1000 रुपये तो जुत्ता गरीब आदमी चप्पल पाने लई भी उन्हें अगर 12% देना पेगा उन्हें तो तुम उंज कहते हो कि असी उन्होंने गरीबी रेखा तो उपर लैके आना है भी असी स्कीम चलानी है भी वह भी साड़ा जो पैसा है डायरैक्टली उन्होंने अकाउंट से पाना है तुम अकाउंट खो के उन्होंने दोबारा पाने का की फायदा है ना पहले ही उन्होंने थोड़ा इस तरह कंफर्टेबल करो कि बेचारा अपनी सैलरी तो कुछ खरीदन जोगा हो मेरे हिसाब से तो बहुत वही प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ टैक्स की चोरी सगों वधेगी घटेगी नहीं क्योंकि जोड़े छोटे दुकानदार रह गए वो बिना GST तो ही बिल लैन और माल बेचेंगे इनका सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। सो इसी पंजाब मर्चेंट क्लोथ एसोसिएशन दे रिपीट सो ये सी पंजाब क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन दे जनरल सैकटरी जी उन्हों का कहना यह है कि अगर GST जी 7% होर वधा दी जाएगी आने वाले समय के जी गरीब लोगों के उत्ते बहुत ज़्यादा इसका माड़ा प्रभाव पेगा। सो सरकार ने यही मांग करते हैं कि GST जी 5% कर दी जाए। कैमरामैन प्रिंस के नाल अंकित वर्मा की रिपोर्ट जनतेशी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।